नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनको पार्टी की बैठकों की जानकारी नहीं है? क्या जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनको पार्टी के प्लान के बारे में जानकारी नहीं होती? यह सवाल इसलिए है कि उमेश कुशवाहा ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद पार्टी की किरकिरी हो रही है, फजीहत हो रही है। जरा सोचिए कि उस पार्टी को लेकर, उस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को लेकर कितने सवाल उठेंगे जब पार्टी के नेतृत्व के बयान को, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को पार्टी के दूसरे बड़े नेता को खारिज करना पड़ा हो, उसका खंडन करना पड़ा हो। दरअसल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी सामने आई कि जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 अगस्त को पटना में होने जा रही है, जिसमें जेडीयू के सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, जिसमें जेडीयू के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल होंगे। जाहिर है देश भर के बड़े नेताओं का पटना में, जेडीयू के नेताओं का पटना में जुटान होगा। लेकिन शाम होते होते ये खबर आई कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी कोई बैठक जेडीयू नहीं करने जा रही है। जरा सोचिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया में ये बयान दिया, खबरें चली और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक आलम को एक पत्र जारी करना पड़ा, जिस पत्र में ये लिखा गया कि जनता दल यू के बारे में ऐसी खबर मीडिया में चल रही है कि 29 अगस्त 2022 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत है। पार्टी पूरी जिम्मेदारी से स्पष्ट कर रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऐसी कोई बैठक 29 अगस्त को नहीं होने जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी फजीहत का विषय है, बड़ी किरकिरी का विषय है और जेडीयू के ग्रह नक्षत्र वैसे भी खराब चल रहे हैं, या यूं कहें कि महागठबंधन सरकार की ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे, एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं जिससे फजीहत हुई है सरकार की, जेडीयू की। जेडीयू का एक पुराना मामला दो दिन पहले का, जब जेडीयू की विधायक हैं बीमा भारती, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कोटे से मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगा दिया कि वो हत्याएं करवाती हैं और ऐसे लोगों को नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया है, अगर उनको हटाया नहीं जाता तो वो नीतीश कुमार के घर के सामने धरना देंगी, विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगी। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां हैं, उनकी अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पुराने सिपासलार आरसीपी सिंह अलग मोर्चा खोले हुए हैं, बीजेपी अलग मोर्चा खोली हुई है और जाहिर तौर पर बीजेपी विपक्ष में है, तो बीजेपी का मोर्चा खोलना उतना हैरान नहीं करता। लेकिन अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बयान को जेडीयू के बड़े नेता को खारिज करना पड़ रहा है, यह भी अपने आप में फजीहत का विषय है, किरकिरी हुई है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।